अस्सलाम वालेकुम जी, सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो जनाब, फाइनली ईद का दिन आ गया और अभी सुबह सुबह है, तकरीबन 4:30। और हम लोग इतना रेडी शेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ईद की नमाज़ में बस ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस निकलते हैं। ठंड काफ़ी है आज भी, तो इसलिए जैकेट वैकेट तो हमें पहननी पड़ेंगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब, हम इस वक्त आया सोफिया यानी सुल्तान अहमद में आ चुके हैं। लोग नमाज के लिए निकले हुए हैं, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं लोग। तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के अहाते में। ये देखें, ये मेरे इस साइड पे ब्लू मॉस्क और ये मेरी बैक पे आया सोफिया। तो अभी हम आया सोफिया की तरफ जा रहे हैं और नमाज मेरे ख्याल में हम इधर ही पढ़ेंगे। अभी इस वक्त इतना रश नहीं है क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन लोग मौजूद हैं। आई होप थोड़ी देर में रश ज़्यादा हो जाएगा और ये बाहर ये जो ये सारे एरिया है ये भी सारा भर जाएगा। तो अंदर चलते हैं। हरीम, बहुत ठंड लग रही है मेरी बेटी को। हाँ, तो ये देखिए जनाब, ये वज़ू की जगह बनी हुई है यहाँ पे और लोग नमाज से पहले वज़ू कर रहे हैं। ये अंदर जाने का रास्ता, मेल साइड है मस्जिद की और फीमेल इस तरफ जाएंगी नमाज के लिए, तो मैं और हरीम जाएंगे इस तरफ। शुक्र नमाज़
नमाज पढ़ के निकल रहे हैं घर से, सलमान साहब और सुशांत साहब। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जनाब ये देखें, ये सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के, कुछ लोग आया सोफिया से बाहर आए हैं और कुछ ब्लू मॉस्क से, और इस मैदान में इस वक्त बहुत रश है लोगों का। तो जनाब अभी का प्लान ये है कि अभी हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी खुला नहीं होगा, तो जो भी रेस्टोरेंट खुला होगा बस वहाँ जाते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो अभी हम ट्रेन में हैं और तकसीम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुल्तान अहमद में इस वक्त कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं था, मतलब कुछ थे लेकिन वो हमारी टाइप के नहीं थे, मतलब इनके जो टिपिकल वाले रेस्टोरेंट थे वो खुले हुए थे। तो हमने सोचा कि तकसीम चले जाते हैं, क्योंकि तकसीम वाली साइड में कुछ कॉन्टिनेंटल मौजूद हैं। तो आज इतना रश नहीं है, देखिए आप ट्रेन भी ऑलमोस्ट खाली खाली सी हैं। तो यहाँ हम आए हैं ये तुर्किश रेस्टोरेंट, इधर हम करेंगे जनाब अभी ब्रेकफास्ट। इनकी तुर्किश डिलाइट भी मौजूद है यहाँ पे, और ये देखिए जनाब हम आ चुके हैं घर, और अब है ईदी टाइम। हरीम इज़ वेरी एक्साइटेड, ईदी मिलने वाली है। भूखी बच्ची को ईदी मिल रही है, ईदी 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 वाजी वाह, मेरे से तो ज्यादा नहीं हो सकता। मुकी बच्ची, ओए होए होए, हरी मिस के अंदर सारी डाल देंगी ईदी, तो फिर आप हमें ट्रीट नहीं देंगी? नहीं, ये ले मेरा बेटा आपकी ईदी। नाउ आई गॉट 1100 लीरा, थैंक यू फॉर पेइंग मी बैक। तो जनाब क्योंकि सुबह की जल्दी जल्दी में उठे हुए थे, इसलिए घर आके ईदियाँ लेके, तो उसके बाद हम सो गए, उठी मैं, और उसके बाद मैंने बनाई बिरयानी, क्योंकि बिरयानी ही इनको ईद वाले दिन अच्छी लगती है। खाना मैंने सर्व कर दिया, तो बस खाना खाते हैं। ये जनाब बिरयानी, बस खाना शुरू करते हैं। आज के दिन का जो हमारा प्लान था वो कुछ प्लान नहीं था। तो सुबह बस मुझे मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई जो यहाँ पास में ही रहते हैं और पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, तो वो चाह रही थी कि आज हम लोग लंच या डिनर कुछ साथ में करें। तो लंच तो चूँकि हमने घर पे ही किया, तो इसलिए फिर हमने उनसे टी की कमिटमेंट कर ली। तो बस इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में उधर निकलते हैं। तो जनाब मेरा ये जो आज का आउटफिट है लाइम लाइट का ही है, और ये मेरा आप खुसा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इसके साथ। तो अभी मैं आपको अपनी ड्रेस भी पूरी दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छा इस पर ये सीक्वेंस वर्क है, साथ एम्ब्रॉयडरी है। तो ये देखें जनाब, ये मेरे ड्रेस की फुल व्यू है, और ये मेरा बच्चा भी आ गया। हेलो, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जनाब ये मेरा बैग चेक करें, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पाकिस्तान में गिफ्ट किया था, तो मैं साथ ले आई थी, आज मैंने ये भी ले लिया साथ में, मैंने कहा इसको भी पहनते हैं। चर साहब कैसा लग रहा है ये मेरा बैग?
बहुत चिचोरा लग सीरियसली चौधरी, ये क्या बात हुई यार, इतना क्यूट लग रहा है। मुरछल्लू टाइप लग रहा है। फिर भी मैं यही लेके जाऊंगी आज। हाँ यार, इतना अच्छा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है मैं किसी की मेहंदी में जा रही हूँ। हाँ जी चोरी, सब चले। हेलो, चले आए, जरा दूसरी तरफ चल के इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। हेलो ये कौन सा तरीका है? हेलो के बाद हाय कहते हैं, ये सलाम करते तरीका कौन हैं, सा है? और जेड़ा मर्दी तरीका खैर है। मुबारक। चलिए, अगो ईद मुबारक भी कही दे नाल। वो तो पहले हो गया ना, हुण ईद मुबारक है कि था कि हुण खैर मुबारक नहीं। तो जनाब ये देखें, केक सलमान करी ले आए, और ये रहा मेरा हैंडमेड बुके जो कि मैंने ईद के लिए स्पेशली बनाया था। ये देखें, मेरा बच्चा। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं, वो खोल दे दरवाजा। लो जी, आखिरकार दरवाजा खुल ही गया। आ रहे, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, क्या हाल चाल है? बेहतरीन बेहतरीन। इसके बगैर आते हैं इसकी क्या जरूरत यार। आई मेड दिस दिस वेरी नाइस। यस, आ जाइए जी। इनसे आपका गायबाना तारुफ तो है ना, ये भाई है। सलाम अलैकुम खिज़र भाई। हेलो, स्टेशन आता था गाड़ी पिक करता, फिर घर आता, इस तरह ही करता। जब भी मैंने जाना, मैं चिकन फ्राई करना जा रहा। ले जी, यहाँ पे तैयार हो रहा है सुजुक। हाँ यार, मैं तो खा लेती हूँ, ना डालो। शेर साहब नहीं खाते, निशान साहब तो खा लेते हैं। तकरीबन 12 हो गए और अभी हम लोग घर पहुँचे, और बहुत ज़्यादा थके लगे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव अ बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।